अच्छा डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका खाने पीने का एक रेगुलरिटी नहीं होती, बाज़ार से भी खा रहे हैं, स्कूल से भी कुछ ऑल फॉल खा लेते हैं, उनका जब स्टमक अपसेट हो तो उनको यही दही में इस तरह करके दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं छोटे बच्चों को, बहुत अच्छे। यस, क्योंकि कुछ लोग डरते हैं बच्चों को इस्पगोल देने से कि कहीं बिल्कुल ही डायरिया बिगड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए। नहीं नहीं, इस्पगोल जब उनको दही में देते हैं तो छोटे बच्चों का तो प्रॉब्लम ही ये होता है कि वो नीचे से उन्होंने गंदे हाथ अपने किए हुए और वही हाथ मुंह में डाले और उनका पेट ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से जब वो इस्पगोल यूटिलाइज करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका पेट सेटल हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे लोग हैं जो कि इस्पगोल जो है उसको ड्यूरिंग द डे भी कहते हैं कि दो दफ़ा लो, आफ्टरनून में भी ले लेना चाहिए, जो लोग जो वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं होते हैं। देखिए, फाइबर इनटेक हमें जब भी रखनी है ना तो उसके साथ पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है। अगर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने दो दफ़ा बताया, स्टार्ट में हमेशा एक दफ़ा कराती हूँ रात को सोने से पहले, ठीक है, उसके बाद आप सो गए, आपको उस एक खुराक से फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आपने सुबह ने हार्मोन भी स्टार्ट किया, अब आपको और वेट लॉस करना है तो आप इसको दोपहर की तरफ भी लाना चाह रहे हैं। द मोर यू आर टेकिंग द फाइबर, द मोर यू हैव टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक। जितना आपने इसके साथ लेना है इसके बाद आपको दो ग्लास पानी भी अपना बढ़ाना है, वरना क्या होता है कि इट्स अ वेरी स्टिकी एंड जेली सब्सटेंस, ये ग्लू की तरह स्टिक कर जाता है। तो ये जो आपकी आंतें होती हैं उसके साथ एक जेली की तरह चिपक जाता है, आपको इसके साथ अपना पानी का इनटेक भी बढ़ाना है, ठीक है, ताकि आपके जो बाउल की और इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स है वो भी बहुत रेगुलर रहें। आप समझ रहे हैं कि बस आप इसके दो चम्मच ले लेंगे और एक गिलास पानी पिया और गुड़ुम 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 आपके सब स्टूल पास हो गया, एंड यू नो आप बिल्कुल दुबले पतले खूबसूरत आपकी तरह हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू, यू वेलकम। तो आपको इसके साथ पानी का इनटेक बढ़ाना है। जब आप फाइबर लें, चाहे आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, चाहे आप यू टेकिंग लॉट ऑफ फ्रूट्स और जो कुछ भी है, आप उसके साथ पानी का इंटेक बढ़ाएं तो फिर आप ठीक है, आप दोपहर अच्छा, में भी ले लें। डॉक्टर साहब, इस्पगोल के साथ कौन सा फूड की एक कंपाउंड है जो नहीं हमें इस्तेमाल करना चाहिए? इस्पगोल के साथ कोई ऐसी ममानियत नहीं है, आप फ्रूट्स लें साथ में और कोशिश करें कि उन फ्रूट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके लें एंड हैव देम विद लॉट ऑफ वाटर, विद अ लॉट ऑफ वाटर, हां विद अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग जिनको रेशे का प्रॉब्लम होता है, फ्लेम का, वो कहते हैं कि उनको इस्पगोल नहीं खाना चाहिए। हाँ, दे शुड नॉट टेक इस्पगोल, क्योंकि ये खुद रेशे की तरह बन जाता है अंदर जाके, एक जेली स्टिकी सब्सटेंस। तो जिनको वैसे ही खांसी का मसला है, जिनको थोड़ी बात पे खांसी हो रही है, कफ हो रही है, सीना जकड़ा हुआ है, या तो वो फिर इसको थोड़ा सा लें, बिल्कुल थोड़ा सा कब्ज़ की वजह से गर्म दूध के साथ ले लें, साथ में हल्दी को ऐड ऑन कर लें, और या फिर इसको वो अवॉइड करें जब तक कि वो चीज़ उनकी सेटल हो जाए, देन दे कैन स्टार्ट हैविंग इट अलॉन्ग विद हनी एंड ब्लैक पेपर। जबरदस्त खबर आजाद, वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे ब्रेक।